जानकार बने, चौकन्ने रहें। आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेजबान उर्वत अलबुस्का। नाजरीन, एनर्जी कंजर्वेशन एक ऐसा कंसेप्ट जिसको समझना हमारी यूथ के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। नाजरीन, हम ये एनर्जी कैसे कंजर्व कर सकते हैं? हमारे उठने से लेकर हमारे बैठने तक, हमारे खाने पीने से लेकर हमारे ट्रैवल करने तक, ऐसी कई सारी चीजें हैं, ऐसे कई सारे हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस एनर्जी को कंजर्व कर सके। नाजिम, जब इसी एनर्जी कंजर्वेशन की पहल में एक नौजवान जुड़ जाता है तो इसमें और ज्यादा चीजें संवारने और सुधारने की जरूरत होती है, क्योंकि एक कौम का मुस्तकबिल एक नौजवान ही तय करता है। नाजिम, इस प्रोग्राम के वसादत से भी हम आए दिन एनवायरनमेंट के रिलेटेड बात करते हैं, कंजर्वेशन के रिलेटेड, सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड बात करते हैं, तो हमने सोचा कि आज के इस खास शुमारे के लिए भी हम एक ऐसे मौजू का इंतखाब करें जिससे हम अपने ऑडियंस को अवेयर करें कि वो एनर्जी कैसे कंजर्व कर सकते हैं और हमारा यूथ कैसे इन्वॉल्व हो सकता है इस एनर्जी कंजर्वेशन में। तो नाज़रीन, आज के इस खास शुमारे के लिए जिस खास मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ यूथ एंगेजमेंट इन एनर्जी कंजर्वेशन। और इस खास मौजू पर बात करने के लिए आज इस स्टूडियो में जिन मेहमानान को हमने दावत दी है, नाज़रीन आइए उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शफी आखून जी, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। नाज़रीन, हमने और दो दोस्तों को भी आज के शुमारे के लिए दावत दी है, उनका पर्सपेक्टिव भी इस मौजू पर जानने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शबीना हैदर जी, आप एक उस्ताद हैं, और हमारे साथ किफायत हुसैन भी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप भी पेशे से एक उस्ताद हैं। आप सब मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चूंकि आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो काफ़ी अहम है समझने और समझाने के लिए, क्योंकि हम समझते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की हम जब बात करते हैं तो हम सब समझते हैं कि ये आसान है, लेकिन आपसे हम समझना चाहेंगे कि जब हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो ये एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, और हम इसको किस तरीके से आसान लफ्जों में, आसान टर्मिनोलॉजी में समझने की कोशिश कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने पहले ही बता दिया कि एनर्जी कंजर्व करना एक आसान है, बेशक आसान है। अगर हम घर की बात करें तो एनर्जी कंजर्व करना, एनर्जी कंजर्व करना ही तक नहीं है, इसका मतलब हो गया कि हम पैसे भी बचा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एनर्जी कंजर्व करना बजाद खुद एनर्जी प्रोड्यूस करना है, और एनर्जी कंजर्वेशन का जो बेसिक मानी है उसका मतलब हो गया कि वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी नॉर वी कैन डिस्ट्रॉय इट। ठीक है ना सर? सिर्फ एक बात है कि इसको हम एक फार्म से दूसरी फार्म में हम चेंज कर सकते हैं। और जहाँ तक घर में कंजर्व करने की बात है, ये आसान सा है। घर से जब हम बाहर निकले तो जो भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स है, चाहे बल्ब है उसमें या चाहे कोई और चीज़ है, जो हमारे घर से बाहर रहते हुए जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उनको ऑफ करना। और दूसरी बात है, वो जो पुराने टाइप के वो लैंप थे, इनकैंडेसेंट लैंप्स, उनको अवॉइड करके सीएफएल का बल्ब का इस्तेमाल करना। और जहाँ तक इन एनर्जी सेवर, उनको एनर्जी सेवर्स भी कहते हैं, और जहाँ तक इनका ताल्लुक है, ये वन थर्ड ऑफ द एनर्जी, ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ एनर्जी मतलब कंज्यूम करते हैं। और इनका इस्तेमाल करने से जहाँ पर हम एक वो पुराना टाइप का लैंप जहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हम 10 लैंप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी रोशनी हर एक कोने पर जा सकती है। इसी तरह गीजर्स का, वाटर हीटिंग सिस्टम्स का जो ताल्लुक है, उसमें हम
अभी तक स्टार रेटेड गीजर्स आते हैं जो बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट है, जिनमें पानी गर्म बहुत देर तक रहता है। और यहाँ पर चूंकि विंटर्स में हमको हार्श विंटर्स का सामना करना पड़ता है, सर्दी भी बहुत होती है, तो अपने घरों को गर्म रखने के लिए विद मिनिमम एनर्जी यूसेज ऑफ एनर्जी, उनको विद मिनिमम यूसेज ऑफ एनर्जी से गर्म करने के लिए हमको अपने घरों को अच्छी तरह से इंसुलेट करना चाहिए। माशाल्लाह यहाँ पर अब गर्मियों में भी बहुत अच्छी गर्मी पड़ती है, एसीज का भी इस्तेमाल करते हैं लोग, और कमरों को बहुत देर तक सर्द रखने के लिए भी इंसुलेशन की ज़रूरत है, अच्छी तरह से इंसुलेट करना पड़ेगा हर एक घर को, ताकि मतलब ये जो हम कूलिंग क्रिएट करते हैं एक कमरे में एक खास है, ताकि वो कूलिंग बहुत देर तक रहे। आपसे हम मज़ीद चीज़ें भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि शबीना जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आज का मौजू जो है वो यूथ के लिए है खासकर, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जब हम बिगर गोल्स की बात करते हैं, चाहे क्लाइमेट को बचाने की बात करते हैं या सस्टेनेबिलिटी को बात करते हैं, अपने उन सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो हम यूथ है वो किस तरीके से एंगेज हो सकता है इन एक्टिविटीज़ में या उन उस बिगर गोल को अचीव करने में? जी, अगर हम देखें लाइक टू अचीव दिस ब्रॉड एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट गोल, इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल जब हम यूथ को इन्वॉल्व करते हैं इसमें। और व्हेन यूथ एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एनर्जी कंजर्वेशन, लाइक जैसे सर ने कहा कि घर में अगर हो, दे कैन टर्न द लाइट्स ऑफ, दे कैन यूज द सोलर पैनल्स, दे कैन यूज द सेवर बल्ब्स, एंड इवन अप्लाइंसेस जो आजकल हम यूज करते हैं, आपने देखा होगा जब भी कोई अगर छोटा सा छोटा भी गैजेट यूथ को लेना होता है, दे जस्ट चेक द स्टार रेटिंग फर्स्ट, कि पहले कैसे एनर्जी कंजर्वेशन, कितना इसमें सेव होगा एनर्जी, क्या होगा। सो इस तरीके से अगर दे कीप कंटिन्यू पार्टिसिपेट कंटिन्यू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दैट, दे हेल्प रिड्यूसिंग द एनर्जी, एंड इन रिटर्न व्हाट वी गेट, इट डिक्रीजेस दैट ग्रीन हाउस गैसेस इन द एनवायरमेंट, एंड दैट हेल्प्स अस टू, इट रिड्यूसेस द क्लाइमेट चेंजेस एंड स्लो डाउन द ग्लोबल वार्मिंग, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तो ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो चुकी है, सब चीज में ये आता है। और एक चीज है, इनमें अगर ये अवेयरनेस फैलाए, देखो आज का टुडेज यूथ इज दे आर टुमोरोज लीडर, दे आर यूजुअली नेचुरल कम्युनिकेटर्स, दे आर इन्फ्लुएंसर्स, इफ दे गेट पैशनेट, अगर वो पैशनेट हो जाते हैं किसी चीज के बारे में, सो इफ दे गेट पैशनेट अबाउट दिस एनर्जी कंजर्वेशन, इट विल बी ईजियर फॉर देम टू कम्युनिकेट, टू एजुकेट देयर फैमिली, फ्रेंड्स एंड इवन द कम्युनिटीज अराउंड देम। उस तरीके से भी वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकते, दे कैन राइज एन अवेयरनेस रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक गोल्स एज वेल। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि वो लाइक ड्राइविंग इनोवेशंस, यूथ ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आजकल के नौजवान तो ऑब्वियसली दे हैव फ्रेश आइडियाज, दे आर टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज, अगर वो दीज गेट एंगेज इन द एनवायरमेंटल, सॉरी दिस एनर्जी कंजर्वेशन, दे कैन अचीव देयर गोल्स ईजीली, बिकॉज दे नो दे कैन ईदर, फॉर एग्जाम्पल इन टेक्नोलॉजिकल वे, बच्चे आजकल दे आर कहते हैं कि बच्चे वहीं से पैदा हुए हैं, टेक्निक्स लेकर, दे आर टेक्निकल किड्स, दे कैन इवन क्रिएट एन ऐप दैट वेयर दे कैन लाइक ऐप दैट कैन हेल्प अस टू सी एनर्जी कितनी यूज करनी है, कहाँ पर स्टॉप होता है, दे कैन ट्रेस द यूजेज ऑफ एनर्जी ऑन दैट ऐप एज वेल। सो देर आर सर्टन वेज दैट दे कैन हेल्प देमसेल्फ, दे कैन एंगेज देमसेल्फ। सही फरमाया आपने कि मतलब इनोवेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, कि टेक्नोलॉजिकली भी और इस तरीके की, जैसे आपने एग्जाम्पल दी कि ऐसी एप्स बने जिससे हम वो एनर्जी ट्रेस कर सके कि कितनी एनर्जी हमने अपने घरों में इस्तेमाल की। चूंकि आपने अवेयरनेस की बात की, किफ़ायत जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं, तो अवेयरनेस का एक अहम रुख जो होता है वो इस तरफ होता है कि अगर हमने लोगों को ये समझा कि आपको क्या करना है, और जो कि बाज़ औकात लोगों को
पता होती है कि हमें क्या करना है, लेकिन वो मोटिव नहीं होता है क्योंकि उनको ये नहीं पता होती है कि क्यों करना है। अगर हम एनर्जी सेव कर रहे हैं तो ये एनर्जी हम क्यों सेव कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि ये एनर्जी कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया इस बहुत ही अच्छे प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए। तो देखिए, एक इंसान की फितरत है कि वो वही चीज़ करता है जिस पे उसको लगता है कि मेरा कुछ फ़ायदा है ना, ये सबको पता है। तो देखिए, अगर हम एनर्जी सेविंग एनर्जी की बात करेंगे, इसके बारे में हमें कॉन्सेप्ट है, लोगों को कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कि सेविंग एनर्जी क्या होता है, ठीक है, आम इंसान को भी, लेकिन फिर भी हमारे जो लार्ज मासेस है वो अभी तक इसके बारे में उतना ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो हमारे पास कुछ आइडियाज, मैं कुछ कुछ गोल्डन पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा जो हम लोगों तक पहुंचाएंगे और उसके बाद वो खुद ब खुद इन्वॉल्व होंगे इस एनर्जी सेविंग कॉन्सेप्ट में। जैसे कि पहला जो कॉन्सेप्ट है कि हम ऐसा क्यों करेंगे, इससे क्या फायदा होगा। देखिए, अगर आप देखोगे, जैसे मैडम ने फरमाया भी कि छोटे से छोटे एलईडी बल्ब से लेकर स्मार्टफोन तक, ये एनर्जी हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर आप एलईडी बल्ब का इस्तेमाल घर में करते हो, हाउस होल्ड में करते हो, वो तो एनर्जी पे ही चलता है ना। इसकी बरक्स अगर हम देखेंगे, आजकल हमारे हाथ में स्मार्टफोन है या लैपटॉप है या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हम हाउस होल्ड में इस्तेमाल करते हैं, वो तो एनर्जी से ही चलता है। दैट मीन्स कि हम रिलेटेड है एनर्जी के साथ। अब स्मार्टफोन के जरिए या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के जरिए, तो हम डिपेंडेंट है एनर्जी पे। अब सवाल है इसको क्यों बचाना, बचाना जरूरी है। देखिए, हमारी जो एनर्जी सोर्सेज है, पहले वो लिमिटेड है, यानी कि अगर हम इसको इस्तेमाल करते जाएंगे बेतहाशा, हमें ख्याल नहीं रखेंगे कि आगे क्या होगा, तो ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। हमारी जो लाइफ है वो तो पता ही, हम कहीं के नहीं रहेंगे। हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, हमारे पास ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब दे विल नॉट वर्क, ठीक है। और उसे क्या इम्पैक्ट आएगा हमारी लाइफ में, डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा। एक तो ये है, दैट मीन्स कि लिमिटेड रिसोर्सेज, जो एनर्जी के रिसोर्स हैं वो लिमिटेड। और अगर चाहे हम ये रिसोर्स इस्तेमाल कर पाए भी, और मुझे नहीं लगता है फिर जो हमारी आगे जनरेशन है, वही उसी की तरफ मैं आ रहा हूँ। देखिए, दूसरी बात जो आपने खुद ही छेड़ी, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब है अगर आपके पास जो एनर्जी सोर्स है, क्योंकि मैंने कहा कि ये लिमिटेड है, मगर अगर आपने इसको ऐसे इस्तेमाल किया, ये सोचे बगैर कि नहीं मुझे इसको सेव करना है, जब आप इस्तेमाल करोगे इसलिए फ्यूचर जनरेशन के लिए आप कुछ नहीं छोड़ सकते। फ्यूचर जनरेशन उनके लिए एनर्जी क्राइसिस क्या, इनके लिए एनर्जी बचेगी ही नहीं। दूसरी बात ये है। तीसरी बात जो मेन अहम बात है, जिस पे सारा वर्ल्ड ग्लोबली काम हो रहा है, वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए, आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं मेनली फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं या कोल आता है, इनसे कुछ ऐसे गैसेस इमिट होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, जिससे कि डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट पे। और आपको तो पता ही है कि सारे लोग जानते हैं कि वी आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। जब एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ के रहेंगे, हम तो रह गए नहीं, ठीक है। तो डायरेक्टली ये इसे इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली ये निचोड़ निकल सकता है कि हमें ये बचाना है। अगर हम इसको आसान तरीके धीरे धीरे या मतलब जुडिशियसली इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर हमारा एनवायरनमेंट पे अगर इम्पैक्ट पड़ेगा भी, वो उतना ज़्यादा नहीं होगा, उसको हम कोप अप कर सकते हैं। मगर अगर हमने ऐसे ही अनलिमिटेडली इस्तेमाल किया तो ओब्वियसली एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होगा, या देखिए पोल्यूशन भी हो रहा है इसकी वजह से, अगर हम फॉसिल फ्यूल्स का ऐसे इस्तेमाल करेंगे सेविंग के बगैर ही, तो जिससे सॉइल पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन वो तो होता है, डायरेक्टली हम पे ही इम्पैक्ट होता है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि नहीं, वी हैव टू सेव इट। ये एक हम कह सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स मैंने गोल्डन पॉइंट्स हाईलाइट किए, एक मोटिवेशनल पॉइंट्स है। अगर लोगों के ये पॉइंट्स समझ आए, वो ऑटोमेटिकली खुद बाय एंड लार्ज वो करेंगे फिर। और ये भी जरूरी है कि हम समझे कि जिस तरीके से हम एनवायरमेंट में रहते हैं, ये एनवायरमेंट जब हम पे इम्पैक्ट
पड़ता है इसका, तो बहुत ही जिस तरीके से हम देखते हैं कि हीट वेव का किस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से, तो आप देखिए रिसेंटली जो हज पे गए थे वहां पे कितने डेथ्स हुए हीट वेव की वजह से, इट्स बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट, वो कॉन्सिक्वेंसेस हमें कहीं ना कहीं दिख रही है, रिफ्लेक्शन तो आ रही है। आप देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, रिसेंटली जो बारिश हुई, आप देखिए एक दिन बारिश हुई, इतनी सर्दी लगता था कि जैसे हम विंटर्स में, इट्स बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट, देर इज अ पोल्यूशन, वाई देर इज दिस, ये पोल्यूशन आया कहाँ से, बिकॉज हम कर रहे हैं एनर्जी का बेतहाशा इस्तेमाल, इसी क्लाइमेटिक चेंज को, क्लाइमेटिक चेंज को, मतलब हमें ये समझना है कि नहीं, अगर हम ये इस्तेमाल करते हैं हम ऐसे इस्तेमाल के क्लाइमेट में उतना इंपैक्ट ना पड़े। क्योंकि आपने एनर्जी क्राइसिस की बात की, चूंकि हमारे साथ हमारे गेस्ट आज मौजूद हैं, हमारे एक्सपर्ट आपको हमने आज यहाँ पे मधु किया है, आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे सालों से आप अब फील्ड में भी हैं, उस तरीके का एक्सपीरियंस भी आपके पास है, चूंकि आपने आगाज में ही कहा कि जो एनर्जी है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं, ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना, तो हमारे पास अगर एनर्जी रिसोर्सेज है, या हमारे पास अगर हमारे घरों में हम देखें, तो हमारे पास, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, क्योंकि हमें एनर्जी यूज़ करनी है डे टू डे लाइफ में, तो हमारे पास क्या एनर्जी रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो ज़रूरी है कि हम उन रिसोर्सेज की तरफ रुख करें जो हमारे पास एबंडेंस में है, एबंडेंस में भी है और जो नॉन एग्जॉस्टेबल है, तो आपसे जानना चाहेंगे वो कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे पास। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है विच इज इन अबंडेंस वो है सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए हमारे को सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसके लिए स्पेस चाहिए, बट और देखिए ना, यहाँ पर हमारे कश्मीर में यहाँ पर हम छत बनाते हैं, मकानों के ऊपर छत बनाते हैं, बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा लोग पैसा ज़ाया करके अपने ये जो है रूप्स उनको मुख्तलिफ मतलब डिफरेंट आकार देते हैं, एक तो इसमें पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, दूसरी बात ये है कि अगर हम इन पर सोलर पैनल्स लगाएंगे बिजली हार्वेस्ट करने के लिए वो मतलब उतना एफिशिएंट नहीं हो जाता है, वो सिंपल से रूप्स जो हम आम तौर पर देखते हैं यहाँ पर, एक तो उसमें हमारा पैसा ज़्यादा ज़ाया नहीं होता है, दूसरी बात यह है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं रूफ टॉप लगाने में, तो हम बिजली ये जो है सोलर एनर्जी उसको आसानी के साथ हार्वेस्ट कर सकते हैं। सोलर एनर्जी का एक और मतलब ये है कि ये पोल्यूशन फ्री है, जिस तरह हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक अल्लाह तला ने हम इस कश्मीर को नवाजा है वाटर रिसोर्सेज के साथ, जिससे हम अराउंड 20,000 मेगावाट बिजली हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है, इनमें तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो बहुत है, मतलब बनाने का जो इसमें खर्चा लगता है वो बहुत है, और दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत सारी लैंड की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक हेड बनाना पड़ता है, मगर एट द सेम टाइम वंस ये थ्रू हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है, तो फिर इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट इसका बहुत है। इसी तरह बहुत सारे मतलब ये जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, मिसाल के तौर पर थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी में एक मसला है उसमें पोल्यूशन है, जैसे इन्होंने सर ने बता दिया कि पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो बेमौसम बरसात भी हो जाती है, और आज समर में जब भी कभी बारिश पड़ जाती है तो हम बहुत सर्दी महसूस, जैसे हम चले कलान में चले जाते हैं, तो चूंकि यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं है, हम थर्मल पावर प्लांट तो यहाँ बना नहीं सकते हैं क्योंकि उसके लिए कोल हेड की ज़रूरत है। अब अगर हम अपने कश्मीर की बात करें तो
घरों में इस्तेमाल करने के लिए बिजली का इस्तेमाल करने के लिए, मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने के लिए, मुफ्त बिजली हार्वेस्ट करने के लिए हमने थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है, सोलर रूफटॉप बनाना है। एक तो हम उसमें से क्या कर सकते हैं कि एक तो हम अपनी बिजली जो हमें इस्तेमाल में होगी घर में डेली यूज के लिए, एक तो वो हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरा जो बाकी जो एनर्जी जो बिजली हम बचा सकते हैं उसको हम सिस्टम में दे सकते हैं। उसमें एक मीटर लगता है, बाई डायरेक्शनल मीटर। तो क्या है कि उसमें जो बिजली आप सिस्टम से लेते हो और जो बिजली आप सिस्टम को देते हैं, इसमें यूड्रॉन एक सा बन जाता है। तो नेट जो कंजप्शन आपकी है उसी में आपको पैसा देगा, ठीक है ना। ये सबसे इन अबंडेंस, दिस इज इवन इन विंटर्स वी कैन हार्वेस्ट। हालांकि विंटर में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन वी कैन हार्वेस्ट सोलर एनर्जी। दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इज द बेस्ट टेक्निक वायर फ्रॉम वी कैन हार्वेस्ट सोलर दिस एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जी आपसे और भी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। शबीना जी आप हमें बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉसिल फ्यूल्स की बात की, यहाँ पे हमने एनर्जी कंजर्वेशन की बात की, तो चूंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो हम अभी देख रहे हैं ईवीज, तो उसकी तरफ यूथ भी काफ़ी रुझान कर रहा है, चाहे इलेक्ट्रिकल रिक्शाज हो, इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स हो, तो आपको क्या लगता है ये जो एक पर्सपेक्टिव है ये किस हद तक बेनिफिशियल है हमारे यूथ के लिए? इससे जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इसका सिग्निफिकेंटली रोल आ जाएगा, बिकॉज आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दे आर वेरी एनवायरमेंटल लविंग, लाइक देयर इज नो पोल्यूशन एंड नथिंग। और मैं रिसेंटली बोलूँगी, लास्ट टाइम आई वॉज गोइंग समवेयर एंड मेरा नेफ्यू मेरे साथ था एंड ही सॉ ई रिक्शा एंड ही इज लाइक ही इज ओनली इन सेवेंथ ग्रेड, सो ही इज लाइक पुफी देखो कितना आसान है, ना तो इसमें कोई धुआं निकलता है, ना तो पोल्यूशन है, ना तो पेट्रोल का इस्तेमाल है और ना ही ये आवाज़ करता है, बिकॉज दैट वॉज गोइंग वेरी स्मूथ, हम चढ़े थे उसमें। और ये कितना अच्छा है, मतलब कितना इससे हमारा एनवायरनमेंट भी सेव होगा। इट्स द परस्पेक्टिव ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड, ही इज ओनली इन सेवेंथ ग्रेड, सो इट्स ऑब्वियस कि जब जिस चीज़ से हमें हार्म ना हो, यूथ अट्रैक्ट होता है उस चीज़ के लिए। एवरीबडी इज लाइक ई बसेस है हमारी, एवरीबडी इज हैप्पी, देखो बसेस आ गई है, इसमें भी पोल्यूशन नहीं है, एनवायरमेंट सेव होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, क्लाइमेटिक चेंजेस कम, ऑब्वियसली कम नहीं होगी, छोटी सी लाइक इट्स अ स्मॉल इनिशिएटिव, डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन, लाइक वी हैव ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट्स आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, लाइक बहुत सारा डैमेज हो गया है। बट आई थिंक यूथ इससे बहुत लाइक दे आर लुकिंग इट एज अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस एंड आई थिंक कि जो क्राइसिस ऑलरेडी है उसको काफी हद तक इस चीज से हम मिटिगेट कर सकते हैं। थोड़ा फर्क आ ही जाएगा, लाइक आहिस्ता आहिस्ता जो स्टेप्स हम लेंगे प्रोबेबली विल गेट देयर व्हाट वी वांट टू अचीव, सो दे आर लुकिंग इट एज अ सिंबल ऑफ अ प्रोग्रेस। हम पूरे मुल्क भर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो इंडिया में भी कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, चाहे हीट वेव की हम बात करें, चाहे एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़राब है। दिल्ली में लास्ट विंटर्स में हमने देखा कि किस तरीके से बहुत सारे जो बच्चे हैं या बहुत सारे लोग हैं, हेल्थ इशूज़ भी हो गए। तो एक हेल्थ फैक्टर जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है समझने के लिए, तो आपसे जानना चाहेंगे कि हम किस तरीके से लोगों को समझा सकते हैं या खुद हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो माहौल है या जब हम एनर्जी कंजर्व करें किसी भी तरीके से, तो ये किस तरीके से हमारे हेल्थ को बेनिफिट पहुंचा सकती है? देखिए जैसे आपने खुद कहा कि या मैडम ने कहा कि अभी तक जो हमने एनर्जी के सोर्सेज इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनसे इमिट होते हैं कुछ हार्मफुल गैसेस जो डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं हमारे हेल्थ पे। अब देखिए इसको रोकने के लिए हमारे पास हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि वी हैव टू शिफ्ट, कहाँ से जो हमारे पास ऑलरेडी सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सपोज अगर आप देखोगे कुछ 50-60 साल पहले वुड का इस्तेमाल होता था ज़्यादा, जिससे कि पोल्यूशन बहुत सारा होता था और हमें एनर्जी भी उतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी। फिर हमारा शिफ्ट जो है फॉसिल फ्यूल्स की तरफ आया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या कोल की तरफ आया, उसे तो हमें हमारे जो हमारा जो माशरा है या हमारे जो ग्लोबल इम्प्रूवमेंट हुई या
कुछ फायदा हमें मिला, लेकिन हमें ज्यादा नुकसान हुआ। जैसे कि आपने खुद मेंशन किया, बहुत सारी ऐसी बीमारियां या एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट हुआ। इसलिए मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा, पहले हमें करना पड़ेगा काम के शिफ्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ, वो एनर्जी के सोर्सेज हमें तलाश करने पड़ेंगे जो कि हमारे क्लाइमेट को, हमारे हेल्थ को या हमारे कुछ ऐसे चीजों को इंपैक्ट ना कर से जिसे हम पे ही इंपैक्ट आ जाए, हम उनसे बचे। सर ने मेंशन किया जैसे कि सोलर, यूज ऑफ सोलर एनर्जी, इसको हम हार्नेस कर सके, या यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी या हाइड्रो पावर, उसे उतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब हम ऐसा कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हम इससे बच सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, चाहे रैलीज के फॉर्म में, चाहे ऐसे प्रोग्राम जो हमने यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज किया, या स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या आम, अगर हम आम कम्युनिटी में जाए, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करें, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, या फॉर एग्जांपल ऐसे मतलब प्रोग्राम्स करें जैसे कि हमने यहाँ पे किया विद इन कम्युनिटी, जिससे अवेयर हो जाए लोग कि इससे इम्पैक्ट्स क्या आ सकते हैं। जो हम ये मतलब फ्यूल्स, सपोज एक कॉन्सेप्ट है कार पूल का, सपोज अगर हम यहाँ पे चार बंदे बैठे हैं, हम चार व्हीकल्स में आए और हमने चार मतलब फ्यूल कंज्यूम किया जिससे कि इमिट हुए गैसेस, वो तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा ना हमारे एनवायरमेंट में। ज्यादातर सिटीज में हम देखते सिटीज में देखेंगे तो इसका एक अल्टरनेटिव है, हम कार पूल कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक स्कूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शिफ्ट करना है जरूरी, तो ये सबसे बेस्ट एक तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। और मुझे लगता है एक आम इंसान के लिए एक ये मोटिव भी रहता है कि जब वो एनर्जी कंजर्व करे तो किस तरीके से वो देखता है कि एनर्जी जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट हो। लेकिन हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर कुछ ऐसे इकदाम हैं जब आप ले रहे हैं तो उसमें आपको कॉस्ट एफिशिएंट नहीं भी मिल रहे हैं। अगर आपको इनिशियल कॉस्ट, जिस तरीके से सर ने भी बोला, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें इनिशियल कॉस्ट काफ़ी रहता है, लेकिन हमें ये समझना है कि अगर हम पैसे भी दे रहे हैं या अगर ये कॉस्ट एफिशिएंट नहीं भी है तो यही सिर्फ मोटिव नहीं होना चाहिए कि हमारे पैसे बच रहे हैं। एक बड़ा मकसद है इसके पीछे कि हम एनवायरमेंट को बचाएं। और साथ में ये भी देखने की ज़रूरत है कि अगर हम एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो हम अपने जो फ्यूचर जनरेशन है उनको सिक्योर कर रहे हैं। तो पैसे से बढ़कर नहीं है उनके सिक्योर फ्यूचर, उनके पैसों से बढ़कर नहीं है। यहाँ पर आपसे हम आखिर पे जानना चाहेंगे, चूंकि हमारे जो यहाँ पर स्ट्रक्चरल होम्स होते हैं, अपने रूफ टॉप्स की बात की, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक एब्रप्ट शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। जो हमारे पुराने मकान होते थे, फॉर एग्जाम्पल विंटर्स की हम बात करेंगे, तो विंटर्स में हम देखते थे कि किस तरीके के मकान हम बनाते थे यहाँ पर, तो एनर्जी बहुत हद तक कंजर्व होती थी। तो आपकी एक मैसेज जो हमारी ऑडियंस को जाएगी कि जो मकान बना रहे हैं वो किस तरीके के मकान बनने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हम अपने होम्स में उन डोर्स विंडोज से सेव कर पाए। पहले जो हमारे मकान बना यहाँ पर बनते थे उनमें क्या होता था, वो मतलब कंक्रीट नहीं हुआ करते थे, ठीक है ना, उनमें मड इस्तेमाल होता था। यात्रा बनान से बू और सिंदर किंग करान, दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ इंसुलेशन एंड दैट यूज टू कंजर्व एनर्जी टू ग्रेट एक्सटेंट। खैर वो तो ट्रेंड चेंज हो गया है, अब वो मतलब मकान तो नहीं बन रहे हैं, अब कंक्रीट मकान बन रहे हैं। लेकिन सिर्फ मेरी एक मैसेज रहेगी, जो मकान अब बन रहे हैं उनके जो छत है, उनके ये जो छत है वो सिंपल अगर बन जाए तो दैट विल बी बेटर। कि एक तो पैसा आपका बच जाएगा, दूसरा वेन यू विल गो अहेड तो आप उसमें सोलर रूफ टॉप लगा सकते हैं एनर्जी हार्वेस्ट करने के लिए, सोलर एनर्जी हार्वेस्ट करने के लिए। और इससे आपका मतलब ठीक है, आपने सही बता दिया, तो यही नहीं होना चाहिए कि पैसा बचाना है, हमारे एनवायरमेंट को भी बचाना है। लेकिन पैसा भी, मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक बोनस पॉइंट ये भी है, एक तो हम एनवायरमेंट को भी बचाएंगे और दूसरा आपको जो एनर्जी पर खर्च मतलब पैसा देना पड़ता है वो भी बच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद यही है कि जिन भी पॉइंट्स पे हमने बात किया, जिन भी अल्टरनेटिव्स की हमने बात की, हम अपने डे टू डे लाइफ में अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे और इस तरीके की जो भी हम
एनर्जी रिसोर्सेज देख रहे हैं उनको बचाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अगले शुमारे में एक नए मौजू के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के इस शुमारे में बस इतना ही, दीजिएगा हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।